सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे सिंपल राउंड नेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो उसके लिए ये मैंने ले लिया है बुकरम, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और कितना फोल्ड करना है, तो जितना भी आप जो नेक की चौड़ाई जितनी भी आपको रखनी है, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.25 इंच, कई लोग 2.5 रखते हैं, कई 3 रखते हैं, कई 2.5 रखते हैं, कई लोग 4 इंच भी रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप गले की चौड़ाई लेकर और एक्स्ट्रा उसमें 0.25 इंच, 1 इंच इतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई लूँगी 3 इंच नेक की, इस तरीके से, और 1 इंच मैं लूँगी एक्स्ट्रा, इस तरीके से। उसके बाद हम लेंथ लेंगे नेक की, तो लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उससे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर 6.5 लेंथ चाहिए नेक की, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, एक मार्किंग, और 1 इंच यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना है, तो इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने। अब इस पॉइंट से भी हमें 3 इंच ले पर एक मार्क लगाना है, इस तरीके से, और अब इनको हम सीधा कर लेंगे जो भी हमने निशान लगाए हैं। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, इस तरीके से, तो ये है हमारे पास फ्रेंच कर्व। इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे यहाँ पर और गले की शेप दे देंगे। तो ये हमारी राउंड नेक की शेप आ गई है। अब यहाँ से 1 1 इंच लेकर, यहाँ पर तो 1 इंच है ही, इस तरीके से राउंड में 1 1 इंच लेकर मार्क कर लेंगे। और इनको मिला लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले मैं ये पर्ल पिंस जो है इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करूँगी नेक को सेट करने के लिए, ताकि कटिंग करते वक्त ये हिले ना। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम को निकाल लेंगे। और अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से कट लगा देंगे। और यहाँ पर ऊपर से हमें 1/2 इंच लेकर इस तरीके से एक लाइन बनानी है। और इसी लाइन पर हमें कटिंग करनी है।
तो ये हमारा नेक कट गया है, पिंस को रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक आ जाएगा। तो ये वाला जो हमने स्ट्रिप बचाई है, ये इसलिए बचाई है ताकि जब हम नेक कपड़े पर सेट करते हैं तो नेक हिलेगा नहीं और अपनी जगह पर सेट रहेगा। चलिए इसको सेट कर लेते हैं कपड़े पर। तो फ्रेंड्स, प्रेस मैंने गरम कर ली है और ये है मेरे पास फैब्रिक जिस पर मैं नेक को सेट करूँगी। तो फैब्रिक का जो उल्टा साइड है उस तरफ हमें सेट करना है। देख लेंगे हम कौन सी साइड उल्टी है। तो ये वाली साइड हम ले लेंगे और इस तरीके से इसको, जो शाइनिंग वाला साइड है वो नीचे की साइड रहेगा। पहले हम फैब्रिक पर प्रेस लगा लेंगे ताकि वो सीधा रहे, उसमें कोई सिलवटें ना हो फैब्रिक में। और अब इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो चुका है हमारा नेक, अब कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तीनों तरफ से। और अब यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हम फोल्ड कर सकें। और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं स्टिच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच लगा लिया है इस तरीके से। तो हम नेक सेट करेंगे। जो हमारा कुर्ती का सीधा तरफ है, कुर्ती या ब्लाउज जो भी है आपका, जो भी सीधा तरफ है उस तरफ इस तरीके से नेक को रखेंगे। यहाँ पर भी हमें कट लगाना है जैसा कट हमने नेक में लगाया है, और कट से कट को मिलाएंगे इक्वली। और यहाँ पर पिंस से हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट कर लिया है नेक को। अब यहाँ से हम हमें स्टिच स्टार्ट करनी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। हमें राउंड में ही स्टिच लगानी है। याद रहे, जितनी अच्छी आपकी ये वाली स्टिच लगेगी उतनी ही आपके नेक में फिनिशिंग रहेगी। तो चलिए लगा लेते हैं ये वाली स्टिच। बहुत तसल्ली से स्टिच लगानी है अगर आप बिगनर्स हैं। तो फ्रेंड्स, स्टिच मैंने लगा ली है, पिंस को हम निकाल लेंगे। और अब हम कट लगा लेंगे। कट हमें कहाँ पर लगाना है, यहाँ से हमें हाफ इंच से भी कम कपड़ा हमें बचाना है और हमें कट लगाना है। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ पहले कि हमें कितना कट लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए हमेशा, ताकि कोई गलती ना हो।
तो यहाँ से हमको कट कर लेना है। और अब हम यहाँ पर नोचेस लगा लेंगे कटर की मदद से। तरीके से हम कट लगा लेंगे। हमें स्टिच को बचाना है कटने से, हमें स्टिच को नहीं कट करना है। और नीचे वाले फैब्रिक का भी आप ध्यान रखें, उसको हटाकर जो भी है कट वगैरह लगाएं। तो कट लगा लिए हैं, अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। पलट कर चाहे तो आप प्रेस से इसको सेट कर सकते हैं और चाहे तो आप इस पर स्टिच लगा सकते हैं। तो मैं स्टिच लगा लेती हूँ इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक हो चुका है रेडी। तो अब पीछे की तरफ इसके यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। आप तुरपाई कर सकती हैं या आप सिलाई भी लगा सकती हैं। अगर आपको तुरपाई करने में कोई मुश्किल आती है, जैसे कि हिल जाता है बार बार, तो आप क्या करें, यहाँ पर पिंस लगा लें इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो इस तरीके से नेक को सेट कर लेंगे हम पिंस लगाकर। ये देखिए, तो जब हम तुरपाई करेंगे या सिलाई करेंगे तो झोल नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पर झोल आ जाता है अक्सर, इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है कपड़ा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।